एक छाया माया, दो बहनें अलग अलग रहती है, यस और नो? और नर्चर, आप किस वातावरण में बढ़ते हैं, द एनवायरमेंट यू हैव बीन ब्रॉट अप इन, लाइक दैट, क्या वो वातावरण सही है, आर वी गिविंग देम द राइट थिंग्स इन दैट रिगार्ड. एंड दिस इज द फॉर्मेटिव एज एंड स्टेज दैट वी फील व्हेन द चाइल्ड कम्स अप, देन वी हैव टू फॉलो एंड अडॉप्ट द थिंग्स इन दैट रिगार्ड. हाउ इट इज दैट वी डोंट वांट टू हर्ट हिम एनीथिंग. आप देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, हम लोग कैसे कैसे बोलते हैं, हाउ वी गेट डिस्टर्ब. This is an era of a presentation. हम बच्चों को भी जब बात करते हैं, ये आजकल की जनरेशन को तो मैं हगीज और मैगीज वाली जनरेशन बोलता हूँ. Yes or no? This is a generation of the हगीज and मैगीज वाली जनरेशन है. 2 minute noodles and pampers and हगीज. They got enough for pampering stuff in that regard, not to fill up in this way. So extra pampering is going on. So बिल्ली के पहले, and we feel that we feel worried about our kids. But the God is more worried about us. क्योंकि भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है. We have to nurture that. We are not nurturing our kids. We are nurturing future. But many parents feel that they are nurturing their future FDs. Or perhaps जे आम्हाला नाही मिळालं ते आम्ही त्याला सगळं दिलंय. जे मी नाही करू शकलो तो पूर्ण करणार. पुष्कळ पेरेंट्स येतात ते म्हणतात, सर आमच्या काळी मला सायकल नव्हती. मराठी कळते ना, वळते ना, असं हसत राहा. एच बी वाढत राहील, कळत राहील, म्हणजे ठीक आहे. तर आमच्या काळी सायकल नव्हती. मी सर सायकलने 10-10 किलोमीटर जायचो. मी याला बाईक घेऊन दिली आहे. याच्या एक रूममध्ये मी AC लावून दिला आहे. बसण्यासाठी एर्गोनॉमिक सीटिंग चेअर्स आहेत, लॅपटॉप्स आहेत अभ्यासासाठी, स्मार्ट बोर्ड्स आहेत. याच्या वाढदिवसाला Apple 7 गिफ्ट दिलं आहे, तरी हा अभ्यास करत नाही. काय प्रॉब्लेम आहे सर? म्हणजे सगळे प्रॉब्लेम तुम्ही सांगून स्वतःच दिले असते. सर जितना बच्चे को गोदी में ज्यादा देर रखोगे उतने उसके पाँव कमजोर करने वाले हो. जमीन पे उतारो, जमीन पे लाइए उसे. आपको लगता है गोदी में जितका तुम्ही त्याचा लाड कराल तितका जग त्याला लाता आहे. एक पिढी अशी आहे, इथे बसलेले मला वाटतं पालक, मी आताच काही एक तासापूर्वी विद्यार्थी मित्रांशी बोलताना म्हटलं की तुम्ही जेव्हा वाचलं असेल शिक्षणामध्ये शिकताना, है ना, तुकोजी महाराजची कविता वाचली असेल की पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातूनही होती चोऱ्या, दारात नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या, येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा, भीती नाही आवडायला झोपडीत माझ्या, पाहुणी सौख्य माझे देवेंद्र तोही लाजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या. म्हणजे समाधानाच्या कविता आपण ऐकलेल्या. टपटप पळती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, येसो नो? आता काय, येसो नो? तम्मा तम्मा छम्मा छम्मा, येस ऑर नो? पोएम्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग. अफकोर्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वॉज एट दैट टाइम ऑल्सो लाइक दैट, बट आर यू देयर विथ योर किड्स गेजिंग एट द स्टार्स? नाउ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज इन द लैपटॉप. बच्चे हमारे पास आते हैं, सर मैंने 10,000 रन बनाए. 10,000 रन, एज 8 साल, वेरी गुड. ये तो तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट गया. कहाँ बनाए? सर लैपटॉप में. क्रिकेट भी लैपटॉप में बच्चे खेल रहे हैं. The scars, the things they are making up in that regard. It's a matter to worry. Parents feel very happy. Sir, mere bachche ko abhi aap dekhiye, wo abhi 6 saal 7 saal ka nahi, usko mobile pura operate karte aata hai. Sir, usko mere ATM se paise nikalte aate hain. Sir, usko laptop operate karte aata hai. दिन भर सर मोबाइल पे जो मुझे नहीं आता वो करते आता है. हमारे जमाने में तुमको आता नहीं था, आपको कैसे आएगा जब आपके जमाने में था ही नहीं. You need to have positive appreciation. Learning is one thing, spoiling is another thing. Don't get confused between listening and hearing also. Listening is listening with attention and devotion. जो आपके कानों पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, आपके पास आप सुन रहे हैं, एकाग्रचित मन लगाकर सुन रहे हैं. मैं भले भ्रम में हूँ पर है, सुन रहे हैं. इसे listening कहते हैं.
और जो आपके कानों पे पड़ रहा है, अनायास ही पड़ रहा है, जिसके लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ये पंछियों की चहचहाट पड़ रही है, बाहर कोई आवाज पड़ रहा है, दैट इज हियरिंग. वी हियर सो मेनी थिंग्स बट वी लिसन टू फ्यू थिंग्स. आर योर किड्स इज लिसनिंग? हमारे बच्चे बोलते नहीं, वी आर हियरिंग बिकॉज वी हैव थॉट लाइक दैट. द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ टू बी गुड पेरेंट्स लाइक दैट. And for first, and the very first thing is that don't worry that child is not listening to you. Worry that he is observing you. बच्चे हमको देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं. ये स्मार्टफोन का जनरेशन है, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं. एक स्कूल में हम गए करके और वहाँ से फोर्थ स्टैंड के बच्चों का क्लास था. आई आस्क लाइक दैट, सर बच्चे बच्चे हैं बैठे थे. आई वॉज इंस्पेक्टिंग द स्कूल, द सेम इट वॉज मिशनरी स्कूल. एंड आई आस्क कि बेटा ऐसा कौन सी चीज़ है जो 10 साल पहले नहीं थी और अभी ऐसी कौन सी नायाब चीज है जो पहले 10 साल पहले नहीं थी और अभी है इस दुनिया में. एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा सर मैं नहीं थी. लुक एट द कॉन्फिडेंस, वेरी वेल. 10 साल पहले मैं नहीं थी, 10 साल पहले मैं बात हूँ. अनदर बट ऑफ एक्सपीरियंस वाज हैविंग अ अदर किड, बट आई स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम? ही टोल्ड मी हिज नेम लाइक दैट. ओके, and where were you born, what's your father? He told me that. Where were you born? He said I was born in Kerala, in Thiruvananthapuram. Okay, tell me the spelling of Thiruvananthapuram. Sorry sir, abhi mujhe yaad hai, main Goa mein paida hua tha. Ab kaun Thiruvananthapuram ka spelling bole, itna bada Thiruvananthapuram, usse acha jagah hi badal do, Goa. G-O-A. The kids are really smart, really very smart, but हम उनके इनोसेंस को ब्रीच करते हैं. फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, आई विल टेल यू अबाउट द एग्जांपल ऑफ माय ओन किड्स लाइक दैट. आई ब्रॉट अप इन देयर, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्रैवलिंग, नेस्टलिंग एंड पुटिंग अप इन दैट रिगार्ड. आई जस्ट गेव एन इंटरव्यू एंड द किड्स आर रियली वेरी इनोसेंट. वन ग्लास ऑफ वाटर यू कैन कीप हियर ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स, यस और नो? I just came from an interview from the Times Now. I was on the Delhi airport and I was sitting like that, and on the big screen on the Delhi airport, this TV news and all going on. One little girl and just said that, uncle, that man looks like you. I look at her there and I said with proudly, yeah, it's me only. And she looked at me with strange eyes and said, nahi, aap bahut kaale ho, bahut gora hai. Bachche innocently react karte the, unko pata hai. उनको आप कैसे समझाएंगे कि स्टूडियो में मेकअप होता है, लाइट होते हैं, उसमें कोई भी गोरा दिखता है? ऐसा नहीं बता सकते. दे हैव द थिंग्स एंड आई सेड नॉट टू पुट लाइक दैट. माय ओन सन हैज डेकोरेटेड द वॉल. छोटे बच्चों का प्रॉब्लम है, दीवारों पे बहुत लिखते हैं, पेंटिंग्स कर देते हैं, डेकोरेटेड द वॉल. तो न्यू अब एशियन पेंट्स करवाए थे, दीवारें भी बोलती हैं करके, ये सुनो. तो हॉस्पिटल, क्लिनिक, घर की सारी दीवारें बोलने लगी. कलर से तो नहीं बोली, इन्होंने इतने पेंसिल चलाए, कलर चलाए, और वो सब बोलने लगी. एंड ऑल द टाइम द ग्रैंडमैन एवरीवन सेइंग लाइक दैट, कि आपको 10 बार बताया है, ड्राइंग शीट्स ला के दी है, आप दीवारों पे मत लिखा करो, दीवारों पे मत लिखा करो, ड्राइंग शीट्स पे लिखो, पेपर पे लिखो. माय सन टोल्ड मी, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, ये ड्राइंग शीट दीवार पे चिपका दो. ही सेड ओके, हमने दीवारों पे चिपकाया. एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन द ड्राइंग शीट. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. द थिंग इज दैट the solution is really very small. They are more innovative, more creative. Lekin first thing we do is that we kill their creativity. Hame lagta hai ki jo humko nahi mila hame zyada samajh mein aata hai. Yaad rakhiye, I hope all the doctors and nurses sitting here, they know that a kids have a natural born talent. They have more graces, more intellectual graces matter, intellectual matter than an adult. जैसे हम बढ़ते हैं, ग्रेसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, ये हमारे एक्सरसाइज पे डिपेंड है. बट किड्स हैव अ नॉर्मल एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ लॉट ऑफ ग्रेसेस, ग्रे मैटर. जितना ज्यादा ग्रे मैटर उतना इंटेलिजेंट बच्चा. इट्स नेचुरल. वी हैव टू गिव देम पॉजिटिव डायरेक्शन, बट वी ट्राई टू इंजेक्ट एंड इन्फ्लुएंस देम. वी हैम्पर देयर फेथ, एंड व्हेन वी हैम्पर देयर फेथ इन अ फ्यूचर, इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. और उनको सही क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सिखानी चाहिए हमको. इन द चाइल्डहुड विद द स्टोरीज ऑफ इन दैट स्कूल, हमको क्रिसमस में बताया जाता था द स्टोरीज ऑफ अ सांता. द सांता विल कम एंड ही विल गिव यू द गिफ्ट. एंड वी वर टोल्ड लाइक दैट कि आप रेड सॉक्स लगाएंगे और उसके अंदर गिफ्ट सांता क्लॉज लग के जाता है. वी वर थिंकिंग दैट हम तो क्रिश्चियन नहीं है, सांता हमारे घर पे कैसे आएगा? अब सांता को भी पता भी पता होना चाहिए कि वो हम कहाँ पे रहते हैं. बट द फेथ वर्क, फेथ कैन रियली मूव माउंटेन्स. तो हम लोग रेड सॉक्स लगाते थे और नेक्स्ट मॉर्निंग उस सॉक्स के अंदर चॉकलेट,
टॉफीज पेन पेंसिल गिफ्ट होती थी एंड यूज टू बिलीव सेंटा ने यहां पे भी गिफ्ट रखे चले गए। लेकिन कुछ सालों बाद हमको समझ में आ गया कि वो सेंटा कौन था। आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ वी आवर सेल्फ आर सेंटा। देयर आर थ्री स्टेजेस इन लाइफ। व्हेन वी बिलीव दैट देयर इज अ सेंटा क्लॉज, सेकेंड स्टेज व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बच्चे होते हैं हमको लगता है कि सेंटा क्लॉज है वो आके गिफ्ट देगा। ऑफकोर्स व्हेन वी बिलीव दैट देयर इज अ सेंटा क्लॉज, सेकेंड स्टेज व्हेन वी ग्रो अप वी नो दैट हु इज द सेंटा क्लॉज। हमको पता होता है कि वो रखने वाला गिफ्ट हमारे पेरेंट्स थे जो रात में चॉकलेट टॉफीज रखते थे। वी वेर नोइंग दैट हु इज सेंटा क्लॉज। एंड थर्ड स्टेज व्हेन वी आवरसेल्फ बिकम सेंटा क्लॉज, जब हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं। When we ourselves become Santa Claus, we have to ask ourselves, are we really a good Santa Claus and what gift we are keeping in the socks, in the minds of our kids? Hum apne bachchon ke dimag mein kaun se tohfe dal rahe hain? Hey, bolna khub aavadte sagle na khub changle vatte ki mula he devagharche phule ahet, mule he devagharche phule ahet. Aata te jyotiba phule hotil ki niru phule hotil he aaple aati hai. Yes or no? थोड़ा जोरात वाजवा, मी पण जेवण केलं नाही। डॉक्टर इज द पर्सन हू सफर्स फ्रॉम पीपल्स गुड हेल्थ। येस ऑर नो डॉक्टर? लोग तंदुरुस्त रहे तो डॉक्टर बीमार पड़ता है। एंड आई हैव ट्रैवल टू एटलीस्ट आई डिजर्व अप इन दैट रिगार्ड। यहां पर इन बातों का आप ध्यान रखें। नीळ फुले म्हणजे या अनुषंगाने म्हणतो चांगला कलाकार बोला, म्हणजे अजून काही वेगळं घेऊ नका तुम्ही असो म्हणतो। पण आपण त्या फुलांचा काय करतो? ठीक आहे, तर मुळे देवाघरची फुले आहेत, त्या फुलांना कुठून कुठून त्याचा गुलकंदच करतो आपण, इतकं कुठून? असं नाही करायचं, तसं नाही करायचं, तसं नाही करायचं। म्हणजे ते कसं आहे, लग्न झाल्यानंतर एक थोडासा आउट ऑफ द ट्रॅक सांगतो की लग्न झाल्यानंतर कसा करतात मिसेस बायांना की असं नाही बसायचं, तुम्ही तसं नका बसू, लुंगीमध्ये नका बसू, तसं कोणी आल्यावर शर्ट घालत जा, तसं करत जा, 10 वर्ष प्रॉपरली बसत जा, हे रंग असं नाही, तुम्हाला हे सूट होत नाही, ते होत नाही। आणि 10 वर्षाने स्वतःच म्हणता आता तुम्ही पहिल्यासारखे राहिलेच नाही। माणूस इतकं डोकं एकदम काल काढतो की बापरे, म्हणजे बोलून बोलून आधी ती बदलून टाकते आपल्या माणसाला। हे स्व अनुभवाच्या गोष्टी आहेत, कोणी एकदम असा मनावर घेऊ नका, सगळे झुप्त भोगी आहेत असं। मला असं वाटलं होतं की इथून टाळ्या वगैरे येतील काही। कसं आहे, सौंची भीती इतकी असते की मी एका कार्यक्रमामध्ये विचारलं की बाबा असं कोणी आहे का माणूस या जगामध्ये, असा कोणी नाही जो बायकोला घाबरत नाही, एक तरी माणूस आहे का? कोणीच हात वरती केला नाही, एक माणसाने हात वरती केला। मी त्याला म्हणलं या मर्दा वरती आहे, शाब्बाश मर्दा, त्याच्या पाठीवर आठवलं की तो घाबरलो होता। तर म्हणलं का इतका घाबरतोय? तर माझ्या बायकोने मला हात वरती गेला सांगितलं होतं। असा हा कंट्रोल असतो असो। तर हाच कंट्रोल कसा असतो हा संवाद? आता वी आर कमिंग बॅक टू द किड्स लाईक दॅट। आपला जो पॅरेंट्स मधला जो वादविवाद असतो ना, तो त्याचा इम्पॅक्ट मुलांवर होतो। कधीही मुलांसमोर भांडू नये, कधीही मुलांसमोर एकमेका दुसऱ्यांचा माहेर आणि अहेर काढू नये। आपण काय करतो की आपला इगो सॅटिस्फाय करण्यासाठी मुलांसमोर सगळी मांडणी करतो आणि मुलं ते पाहतात, आपल्याला वाटतं त्यांना काही कळत नाही, त्यांच्यापेक्षा कोणालाच जास्त कळत नाही। घरच्या वडील धाडीनं सुद्धा जे कळत नाही ते त्यांना कळतं, फक्त ते बोलत नाही। दे आर द सायलेंट रिॲक्टर्स अँड दे आर फॉर्मिंग देअर स्ट्रोक्स। फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ द लाईफ, फर्स्ट 5 इयर्स द इम्प्रेशन्स दॅट हॅपन्स ऑन देअर ब्रेन, जो स्ट्रोक्स उनके ब्रेन पर पडते हैं, इम्प्रेशन्स पडते हैं, उनसे उनकी पर्सनॅलिटी बनती है, उनसे उनकी पर्सनॅलिटी बनती है। फिर वो इंट्रोवर्ट होगा, एम्बिवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कौन से अनुभव दिए हैं, उसके दिमाग पे जहन पे क्या क्या अनुभव हुए हैं। फिर जो टीनेजर्स तक के 12 इयर्स तक 12 साल तक के जो उसको इम्प्रेशन्स आते हैं, उससे उसका कैरेक्टर बनता है। और 12 साल के बाद आप ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। देन कम्स द एज टीनेज, किशोर अवस्था, एज ऑफ डिम्पल्स एंड पिंपल्स, जहां पे जो माँ बाप बोलते हो बिल्कुल सही नहीं लगता और दोस्त जो बोलते हैं वो ब्रह्म ज्ञान लगता है। यस और नो? तब उस वक्त आपको दोस्त बनने के लिए पहले आपको पहले 12 साल कोशिशें करनी पड़ती है। आपने वाटर तो उद्दंड झाला। येस और नो? टीचर्स लोक म्हणतात सर आमच्या काळी तर असं होतं, शिक्षक तिथून यायचे आम्ही इथे धावायचो,
शिक्षकांची भीती होती, है ना, छडी लागे छमछम विद्या ये घम घम। आजकाल तुम्ही छडी द्या, पॅरेंट्स शाळेमध्ये येतात, छडी मोर्चा घेऊनच येतात। पॅरेंट्सच्या अपेक्षा इतके झालेले आहेत, पॅरेंट्सची इतकी अपेक्षा हो गई। एक तो पीटीए में आई वेंट अप इन दैट रिगार्ड मुंबई एंड आई वॉज अमेज इन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग द पेरेंट्स केम सर माई चाइल्ड इज नॉट ईटिंग लंच एट ऑल। ठीक है, एंड दे वेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, देखा कि वो लंच तो खा रहा है, टिफिन हम ध्यान देंगे, लंच खाया। बट अगेन द मामा केम, सर उसने लंच नहीं किया। तो टीचर ने टिफिन खोल के दिखाया, देखिए पूरा लंच किया है। नहीं नहीं, उसने सॉस खत्म नहीं किया, सॉस वैसे ही वापस आ रहा है, सॉस भी वापस आना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंट्स डे में हर प्रोग्राम में बच्चों ने स्टेज पे आना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को लगता है कि हर टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, सभी डे में उनका बच्चा हर प्रोग्राम में रहना चाहिए, जरूरना चाहिए। दैट्स गुड, दैट्स नेचुरल, दैट्स गुड अप इन दैट रिगार्ड। साथ में यही लगता है कि टीचर्स ने ही स्कूल ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आम्ही एकदा दिले ना तुम्हाला विद्यार्थी, सब आप तैयार करके भेजो, रेडीमेड निकालो। दे आर नॉट, स्कूल्स आर जस्ट अ गाइडिंग लाइट। डोंट, द गाइडिंग लाइट मीन्स कम्स लाइक दैट वेयर दे कैन गाइड, दे कैन चैनलाइज द एनर्जी। 6 to 8 hours ओनली द किड्स आर इन स्कूल। आउट ऑफ 24 hours 2/3 ऑफ द टाइम दे आर विथ यू। आप कैसा बोलते हैं, कैसे करते हैं, दे कैन पुट अप इन दैट रिगार्ड। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनसे करवा ले करके। बट हमसे नहीं हो सकता है, इसलिए आप क्या करते हो, लोग उस क्लास में जाते हैं जिस क्लास की टीचर की स्ट्रेंथ 60-70 स्टूडेंट्स हैं, समटाइम 50-60 स्टूडेंट्स इन वन क्लास। तुम्हाला लक्ष नाही माझ्या मुलाकडे, तुमचं हे नाही त्यांच्या, आपल्याला आपले एक आणि दोन मुलं आहेत ते सांभाळता येत नाही, आणि आपण मॅडमला कंप्लेंट करतो ज्यांच्याकडे 60 किंवा 70 मुलं आहेत। थोडा एम्फसाइज केलं पाहिजे, ट्राय टू अंडरस्टँड अ टीचर लाईक दॅट। ऑफकोर्स वी आर पेइंग, बट डोंट बिहेव लाइक ए स्टेक होल्डर। एजुकेशन और मेडिकल, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो सेवा क्षेत्र है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील कि डॉक्टर्स और टीचर्स, इन दोनों को पगार नहीं, मानधन मिलता है। क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें अगर चेंज हो गया, इसमें अगर व्यवसाय आ गया, तो अनायास ही चीजें बदल जाती है, बिगड़ जाती है। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू शुड लर्न। यू शुड लर्न